मुझे उठाने को आया है वाइज़े नादा, मुझे उठाने को आया है वाइज़े नादा, जो उठ सके तो मेरा सागरे शराब उठा, जो उठ सके तो मेरा सागरे शराब उठा। किधर से बर्क चमकती है देखें ऐ वाइज़, किधर से बर्क चमकती है देखें ऐ वाइज़, मैं अपना जाम उठाता हूँ तू किताब उठा, मैं अपना जाम उठाता हूँ तू अपना किताब उठा। ये चंद लाइनें या यूँ कहिए कि ये शेर उस दिल पे एक शायर के हैं जिन्होंने जिंदा दिली, मैं कशी, मैं नशी और मैं कदे के लिए लिखा और उसी के लिए जिए भी। यहीं आपको उनकी हाजिर जवाबी और जिंदा दिली का भी एक वाक्या बताना चाहूँगी। एक बार एक महफिल में यही शायर कुछ शेर सुना रहे थे, पूरी महफिल उनके शेर पर ज़बरदस्त दाद दे रही थी, लेकिन एक साहब शुरू से आखिर तक चुपचाप बैठे रहे, मगर आखिर शेर पर उन्होंने उछल उछल कर दाद देनी शुरू कर दी। इस पर इन शायर ने चौंक कर उनकी ओर देखा और पूछा, क्यों साहब, क्या आपके पास कलम है? उस सुनने वाले ने जवाब दिया, जी हाँ है, क्या करेंगे। इस पर इन शायर ने जवाब दिया, मेरे इस शेर में ज़रूर कोई खामी रही होगी, वरना आप दाद न देते, इसे अपनी कापी में से काटना चाहूँगा। जो शेरो शायरी के तबीयत पसंद लोग हैं वो तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ किन की बात हो रही है। अब जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता ही देती हूँ, आज बात हो रही है मशहूर शायर जिगर मुरादाबादी साहब की। नमस्कार, आ गई हूँ मैं रौनक, आप सबकी बोरिंग और भागदौड़ भरी जिंदगी में एंटरटेनमेंट का थोड़ा सा तड़का लगाने। स्वागत करती हूँ आप सभी का मीडिया दरबार के एंटरटेनमेंट चैनल पर, जहाँ आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे शायर के बारे में जिनके बिना हर शायरी की महफिल अधूरी मानी जाती थी। मिजाज से आशिक और तबीयत से जबरदस्त हुस्न परस्त, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मशहूर शायर जनाब जिगर मुरादाबादी की। अपने वक्त की हर महफिल की जान थे जिगर मुरादाबादी। उनके जन्मदिन के खास मौके पर आज हम भी थोड़े शायराना अंदाज में उन्हें याद करेंगे और बात करेंगे उनकी शायरी और जिंदगी के सफर की। लेकिन उसके लिए मेरा ये वीडियो देखना होगा आपको लास्ट तक। हमने सीने से लगाया दिल्ला अपना बन सका, हमने सीने से लगाया दिल्ला अपना बन सका, मुस्कुरा कर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया, मुस्कुरा कर तुमने देखा दिल तुम्हारा हो गया। हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके इस जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं। जिगर मुरादाबादी जिनका असल नाम अली सिकंदर था, उनका जन्म 6 अप्रैल 1890 को शायर पिता मौलाना अली नजर के घर हुआ। शायरी उन्हें विरासत में उनके पिता से मिली, फारसी तालीम तो हासिल कर ली, लेकिन बेपरवाह तबीयत के अलावा कुछ घरेलू आर्थिक परेशानी के चलते आगे की पढ़ाई ना कर सके। वैसे भी किताबी पढ़ाई की शायरी के लिए वो नुकसानदेह भी समझते थे। जिगर साहब का शेर पढ़ने का ढंग कुछ ऐसा पुरअसरार था कि उस दौर के युवा शायर जिगर साहब की तरह से ही शेर कहने और उन्हीं के अंदाज को अपनाने की कोशिश किया करते थे। तो सुकून रूह को आराम आ गया, दिल को सुकून रूह को आराम आ गया, मौत आ गई कि दोस्त का पैगाम आ गया, जब कोई जिक्र गर्दिशे अय्याम आ गया, जब कोई जिक्र गर्दिशे अय्याम आ गया, बेख्तियार लब पर तेरा नाम आ गया। अली सिकंदर से जिगर मुरादाबादी बनने तक का सफर उनका इतना भी आसान नहीं था। जिगर मुरादाबादी की जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए, अंग्रेजी से बस वाकिफ भर थे। क्या आप यकीन करेंगे कि इतने बड़े शायर
यानी जिगर मुरादाबादी साहब ने पेट पालने के लिए किसी वक्त स्टेशन स्टेशन चश्मे भी बेचे, जो काम मिले कर लिया करते थे। दादे गमे उल्फत उनसे हम क्या कहते क्यों कर कहते, एक हर्फ न निकला होठों से और आँख में आंसू आ भी गए। जिगर मुरादाबादी की जिंदगी की एक कहानी तो बहुत दुख भरी रही है, लेकिन दूसरी कहानी बड़ी ही आशिकाना रही। बताती हूँ उसके बारे में भी। जिगर साहब बड़े ही आशिकाना मिजाज और दिलफेक किस्म के थे। उन्होंने आगरा की एक वहीदन नाम की एक तवायफ से दिल लगा लिया और शादी कर ली, लेकिन सोच मुख्तलिफ होने की वजह से तलाक हो गया। उसके बाद वो रुके नहीं और इस बार उन्होंने मैनपुरी की एक गायिका शिरजन से दूसरी शादी की, लेकिन वो शादी भी असफल रही। जिगर के साथी बताते थे कि वो बहुत शराब पिया करते थे और उन्हें इतने ज्यादा पीने की आदत थी कि जब तक वो पीकर बेहोश नहीं होते थे तब तक पीते रहते थे, और जब फिर से होश में आते थे तो फिर से पीना शुरू कर देते थे। उस वक्त चर्चा यही थी कि इस पीने की लत की वजह से उनकी सभी शादियां टूट गई। जिगर मुरादाबादी गोंडा गए थे 1960 में, तब उनका निधन हुआ। जिगर के निधन पर फिराक गोरखपुरी ने लिखा था, जब तक जिगर जिंदा थे हम सब जिंदा थे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गम जिगर की मौत है और सबसे बड़ा सुकून जिगर की याद। दिल में किसी के राह किए जा रहा हूं मैं, कितना सी गुनाह किए जा रहा हूं मैं। मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, मुझसे लगे हैं इश्क की अजमत को चार चांद, खुद हुस्न को गवाह किए जा रहा हूं मैं। तो ये था आज का मेरा खास शो मशहूर शायर जनाब जिगर मुरादाबादी साहब और उनकी शायरी को पसंद करने वाले तमाम फैंस के नाम। ये शो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी रौनक को दीजिए इजाजत। जल्दी मुलाकात होगी फिर से एक नई खबर के साथ। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और हाँ, बढ़ते कोरोना से बचे 2 गज की दूरी बनाकर चलें। धन्यवाद।